नमस्कार दोस्तों, आईएएस इंटरव्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है किन्नर किसे कहते हैं। किन्नर शब्द, या इसको कोई कोई छक्का भी बोलते हैं, हिजड़ा भी बोलते हैं गांव घरों में, तो किन्नर शब्द आज से नहीं है, ये सतयुग द्वापर त्रेता से किन्नर चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत में भी आपने देखा होगा, शिखंडी का सहारा लेकर के अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध किया था। तो किन्नर किसे कहते हैं, किन्नर कहते किसको हैं? देखिए, समाज में इतनी ज्यादा किन्नर के मामले में लोग भ्रमित हैं कि जैसे औरत को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको किन्नर समझ लेते हैं, या किसी पुरुष द्वारा बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको भी किन्नर समझ लेते हैं, या जैसे किसी महिला को पीरियड नहीं आता है तो उसको किन्नर मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, शब्द अलग अलग होते हैं। किन्नर, बाज, नपुंसक, ये अलग अलग शब्द हैं। किन्नर होना, बाज होना और नपुंसक होना, तीनों में अंतर है। तीनों एक ही चीज नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारा किन्नर समुदाय जो है ऐसे लोगों को भी अपने टीम में शामिल कर लेता है जो बाज हो या नपुंसक हो, उनको किन्नर मान लेते हैं। अब सवाल उठता है, तो भाई किन्नर कहते किसको हैं, आखिर हकीकत में किन्नर कौन है? देखिए, किन्नर केवल दो लोग होते हैं, केवल दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? जो पुरुष हो और महिला की तरह दिखे उसको किन्नर कहते हैं, या जो महिला हो और पुरुष की तरह दिखे उसको किन्नर कहते हैं। किन्नर केवल दो ही तरह के होते हैं। देखिए, अगर कोई महिला है और पुरुष की तरह उसके चाल ढाल है, या टाढ़ी मूछी आ जाए, या आवाज़ भारी भारी हो, आदमी की तरह आवाज़ हो, या दाढ़ी मूछे आ जाए, बछस्थल जो होते हैं ना आए, तो उसको किन्नर कहते हैं। देखिए, बाज औरत की, किसी लड़की को अगर पीरियड नहीं आता है तो केवल पीरियड के लिए किन्नर मान लेना, ये गलत है। उसकी, हमारे समाज में शादी कराई जा सकती है, उसकी शादी होनी भी चाहिए, सिचुएशन के आधार पर उसकी शादी होनी चाहिए। अगर पाल लीजिए उसको बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसकी शादी ऐसे से कराइए जिसके, मान लीजिए जो विधुर हो, जिसको पहले से बाल बच्चा हो, उसे व्यक्ति से शादी करा दीजिए ताकि उसका भला हो। लेकिन उसको न किन्नर मान लेना, ये गलत है। ये समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है। केवल पीरियड न आना या व्यक्ति को नपुंसक होना उसको किन्नर नहीं माना जा सकता। किन्नर केवल वही होता है जो पुरुष होकर के महिला की तरह दिखे तो किन्नर हो गया, या महिला होकर, देखिए किन्नर दोनों होते हैं, महिला भी किन्नर होती है, पुरुष भी किन्नर होते हैं। तो जो महिला होकर के पुरुष की तरह दिखे, महिला पुरुष की तरह, अब पुरुष जो है महिला की तरह, महिला पुरुष की तरह दिखने लगे और पुरुष महिला की तरह दिखने लगे तो उसको किन्नर बोलते हैं। अब उसके जैसे महिला है वो महिला ही, लेकिन उसको पीरियड्स भी नहीं आते, दाढ़ी मूछे आ जाए, या बछस्थल ना आए, या आवाज़ भारी भारी आए, तो उसको किन्नर बोलते हैं। या पुरुष हो और उसको बछस्थल आ जाए, दाढ़ी मूछे ना आए, आवाज़ उसकी मधुर हो जाए, तो उसको किन्नर कहते हैं। किन्नर केवल दो को ही कहते हैं, पीरियड्स ना आना, या देखिए बाज होना, नपुंसक होना अलग चीज होती है, उसको किन्नर नहीं माना जा सकता। लेकिन बाज होना, उसके साथ पुरुष के गुण होना,
और नपुंसक होना उसके साथ महिला का गुण होना वो किन्नर कहते हैं। केवल बाज और देखिए तीनों शब्दों में अलग अलग है। एक बाज औरत की भी शादी हो सकती है अगर उसके पीरियड्स नहीं आते हैं तो, ब्राह्मण समाज इसकी इजाजत देता है, लेकिन सिचुएशन उसकी होती है, उस पुरुष की सिचुएशन होती है, जैसे कि उसको पहले से बाल बच्चे हो, विधुर हो या उसकी कुछ दिक्कत हो तो उसकी भी शादी होती है। लेकिन यहां तक कि शादी का महिला किन्नर और पुरुष किन्नर दोनों में आपस में शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको सब दिन, वो भी अपने पेयर बना सकते हैं। अपने देखिए पेयर का मतलब क्या होता है, शादी का मतलब क्या होता है, पेयर होता है। पेयर का मतलब हो गया कि हमारे भाव गुण सब चीज मैच करती हो तो पेयर बनाया जाता है। आपकी उसी में पेयर करते हैं तो आप भी शादी कर सकते हैं, एक किन्नर और किन्नर मिलके भी शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ उनको बाल बच्चे नहीं होंगे वो अलग चीजें, लेकिन वो भी शादी अपनी कर सकते हैं। तो वो अपनी गृहस्थी में मतलब दो ही रहेंगे, ऐसा थोड़ा है कि बिना बाल बच्चे की गृहस्थी नहीं चलती, जीवन नहीं चलता। तो वो सिचुएशन बनती है कि नर केवल दो ही होते हैं, जो महिला हो के पुरुष की तरह व्यवहार करे दिखे वो होता है, या महिला पुरुष होकर के महिला की तरह। ठीक है, इस टॉपिक पे अगर कोई सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर मैसेज करें, इसका जवाब मिलेगा। थैंक यू, मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।